हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज है संकट चौथ, जिसे तिलकुटी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और माघ चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का व्रत तो सभी बहन और माताओं ने किया होगा, हमने भी संकट चौथ का व्रत किया है। तो अब सुनते हैं कहानी। और आजकल तो सर्दी भी कम हो गई है, देखिए हल्की हल्की धूप निकल रही है। अभी अच्छी सी तो नहीं निकली है, लेकिन हल्की हल्की निकलने लगी है। संकट चौथी क्या कर दी तो आई भाई माँ की संकट चौथी, तो बुढ़िया ने व्रत कर लियो। तो वो लड़को तो रो जाना भाई जंगल में जा, कोई भैंस गाय चरा के लिया। तो भाई उस दिन का पिताई बोली कि बेटा तू तो रो जाना जंगल में चल जैसा गाय भैंस लेके, फिर माँ घटक चूरमा करे शहर खास। बोले वो ही कौन सी कहे, बोली आज जाके देख ले। बोलो का पिता यहाँ गए थे घर न वापिस आ गयो, आके देख रहे तो माँ तो भाई तिल बना रखा खाने लाग रही। बोली मेरे का पिता ही माँ सच्ची कहती, बोली के कहती बेटा, बोली न्यू कहती भाई तेरी माँ तो घटक चूरमा करे शहर खास है। बोली बेटा मैं तो तेरा ही क्या कर दी, आज संकट चतुर्थी व्रत से वो मन तेरो कर रखियो से। बोलो ना मैं तो मानू ही कोनी, चाल पड़े। बोली रुक रुक बेटा, बोले हाँ, बोली ये ले संकट चतुर्थी व्रत का सर्ती ले, तेरे जित भी संकट आवे तू अन्न पूर्ति ने बैठ चलिए। बोले अच्छा, तो भाई वो माँ का कहे तो लेगी चाल पड़े। तो चल जो पहली चोट शेर आगे आगत, तो उसने यानी तो भाई खा गो शेर, तो उसको न्यू याद आई कि माँ ने तो तिल दिया था, तो उसने तिल लेके न्यू थकाया उसका नहीं, तो उसकी गाय बन गई। गाय बन गई तो वह चाल पड़ी, उनका जड़ कर लग रही हो आगत आवन लाग रही नाग फूफाऊ दी। बोलो शेर तो बच गए दो, ये देखो वो माँ का तिल काम करे नहीं करे। तो भाई उसने न्यू करके ने तिल नाग का नहीं बगाया, भाई उसकी रस्सी मर गई। आगन चाल पड़ो, आगन चलने लग गई हो तो नदी आवे फूफाऊ दी। बोलियो उन दो संकट तो बचे आयो, अरिया भाई और जे उन तो बचे उसको आए तो भी बचूंगो, मेरी माँ मेरा जी का व्रत करा करती। तो भाई उसने तिल फर किया नदी में, नदी का दो भाग हो गया दोनों साइड में, रास्तों मिल गए चले गए। तो एक बुढ़िया पर बुढ़िया पर चले गए, तो वह बुढ़िया रोए और पूरा पोए। बोलियो माँ, बोलियो हाँ, बोलियो यह की बात है शादी भी गमी भी, बोली रो गई भी रे पकवान बनावन लाग रही। बोली बेटा राजा ने हुक्म दे रखी से गांव में कि आव में एक इंसान की बलि जागी, आज मेरे बेटे की बारिश है और उसने पूरा खुआ के भेजूंगी। तो बोलियो मन न खुआ दे, तो बोली बेटा तू खा ले। बोलियो मन खुआ दे तेरे बेटे की जगह मैं चले जाऊंगी। बोली बेटा दूसरे की आई में तो कुण गयो से मन ले पूरा तो खा ले। भाई उसने पूरा खुआ दिया था पाखी ने, वो सो गयो। बोली माँ मैं सो सू और राजा को हुक्म आवे तो मैंने उठा दिए मैं चलो जाऊ। तो आगे भाई हुक्म राजा को, बोले भेजो भाई एक मानस ने। तो बुढ़िया कोई इन्ने बड़े कोई इन्ने बड़े खुड़का करण लाग रही जगा वा कतर पर आयो जायो। तो उसने जाग आ गई, बोलियो माँ, बोलियो आयो की हुक्म। बोलियो हाँ बेटा आ रहे, भाई चाल पड़ो।
आओ एम बैठियो, आपकी माँ का तिल था व्यवहार कर अपने सारे पूर दिया। हाँ तो राजा को लड़को रोन लग गयो, बोलियो बोल बोलियो बोल बोलियो बोलियो रत सही ना माओ पका गो तू बोल वो कतरा ले गो जिद्दी कर ली अट कर ली लूंगो। राजा ने बोले भाई की सो भी काचो कुछ की सो भी हो लिया दियो। जिद उतारन लग गया, जिद भीतरता आवाज आई भाई ये राम तो उतारियो नीचे बैठियो सू। बोलियो है काकर मारी तो टरन दे बाजियो। बोलियो आओ पगियो सारा गांव सारी नगरी में चर्चा होगी। बोली छह महीना माँ हो तो क्या करे सर, आज तीसरे दिन आओ पकियो। तारण लग गया नीचे बैठे पायो। बोलो चल भाई तू भगवान से इंसान से के परिंदो से तन तो राजा बुलावे से चले गयो। बोलो कैसे भाई तू? बोले भाई मैं तो बुढ़िया को बेटो सो। बोलो तू बुढ़िया को बेटो से? तो बोले छह महीना माँ हो क्या करे से, तेरा अग्नि तक कौन लाग रही कितने भी, तू तो भाई कोई भगवान से ना जी मत को भगवान ने मेरी माँ मेरे जी का व्रत कराया करती, उसने तिल दिया था वो तिल पूर की बैठे थो। बोले अच्छे तो भाई भाई वो उसने दे दी उसको राज रोज भी दे दी और उसने नहीं बोले मत मेरी कह बेटी ब्याह को राजा बोले तो भाई बेटी ब्याह दी। तो एक दिन छात पर चढ़ रहा बेटी जब वो बुढ़िया को बेटो दोनों बोलो आज तुम्हारे देश का नहीं भी देख बिजली चिमक शेर बादल हो रहा शेर। बोली तेरे देश से? बोली हाँ मेरा देश से मेरे एक बुढ़िया मास है। बोली चल तो अपने घर ही चलांगा। बोलियो बुझ लिए भाई तू तेरे पापा ने? बोलियो पापा मैं तो भाई ससुराल जाऊंगी। जिन्नी बोली जा बेटा बहुत बढ़िया बात है बेटी तो आपके घर ही जाती। बोली तो भाई उसने आती घोड़ा सब सोनो चांदी सब की देखी बेटी ने भेज दी। तो भाई जू ही नगर के बार ने बेरो पाटे बुढ़िया को बेटो आवास कोई नहीं कही मेरो बेटो से कोई कह मेरो बेटो से और वो थो बुढ़िया माँ को बेटो बुढ़िया की माँ की बेटा कर मुँह में रो रो की नर आँख फूट की। तो बोले बुढ़िया को बेटो से बुढ़िया को बेटो से बुढ़िया बैठा दी भाई पर्दे के वोट में। बोले बुढ़िया को होगो तो भाई इसका सोत खुल जाएंगा बेटा का मुंह जाके धार लगेगी। तो भाई बुढ़िया का सोत खुल गया सीधी बेटा के मुँह जाके धार लगी। बोलियो तो बुढ़िया माँ को बेटो से बुढ़िया ने पहली टूटी से किसे ना टूटी पाँच सौ टूटी से टूटी एक बिंदा एक महाराज हांडे गली में चूटी में चावल ले रहे हो चम्मच में दूध ले रहे हो कोई चावल खीर बना दियो खीर बना दियो सब नाट जा हमने कौन टेम हमने कौन टेम। बोली एक बुढ़िया गरीब पूछ गयो बोली बुढ़िया बोलियो हाँ बोलियो खीर बना दियो बोलियो हाँ महाराज बना देंगा। बोलियो परात लिया चावल दो गेरिया परात चावल की बरगी टोकनू लिया टोकन छिको लगाए दूध को तो टोकनो दूध को भर गयो। बुढ़िया मान ने बोलिया तू मना ले इतना मैं ना दो या मुसू वो तो बिंदा एक महाराज तो ना चले गए भाई। बुढ़िया ने खीर मना की न पकवान मना की तैयार कर दी। बहु बेटा आया बोले माँ भूख लाग रही से क्या गला गरी से? बोलिया जाओ भाई भोजन तैयार से भोजन कर लियो। जानी बिंदा एक महाराज आओ बोले तुम तू भी खा ले ओट में खाने लग गई। बिंदा एक महाराज बोलो बुढ़िया जी आती बोलो तेर बहु बेटा साथी जी में तेर साथ जी में प्रसन्न हो गयो। बोलो भाई बुढ़िया मान का सब कहेगा एम धन का बिंदा एक महाराज ने ठाठ कर दिया। बिंदा एक महाराज बुढ़िया ने टूटी हुई सब ने टूटी। चलो भाई अब कहानी हुई समाप्त और अब देते हैं सूर्य को अर्घ। बादल छाए हुए हैं सूर्य तो दिखाई देता नहीं वैसे ही अर्घ देना पड़ेगा। अभी तो धूप अच्छे से निकली नहीं है।
लगता है कुछ टाइम में धूप निकल जाएगी। अंदाजे से हमने दे दिया अर्ग। चाय बनके हो गई तैयार। अब अनुसुल के पापा जी और इसके दादा दादी को दे देती हूँ चाय। अब सरिता चाय ले आई, हम भी चाय पी लेते हैं भाई। अगर आपको भी पीनी है तो आ जाइए। अंशुल की आज छुट्टी है भाई, आज इसकी तबीयत खराब थी इसने छुट्टी मार ली। नीशू गई स्कूल। सरिता कर रही है सूट की कटिंग और कोको ले रहा है धूप। ये देखो सूट की कटिंग कोको नहीं करने देगा भाई, अब यहीं सो गया कोको तो। कोकी कोकी नींद आओ छो कोकी, कोको ऊपर देख, ऊपर देख की करे से। बैठ जा बैठ जा। अच्छा तो सो जाओ सो जाओ, काटन दे पूरा। अब नहीं काटन दे ओए कोको, पूरा पूरा बैठ जा। कित ले जास कोको, बैठ जा बैठ जा बैठ जा उरे। अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।